दोस्तों, गौहर और सिद्धार्थ की फाइट तो घर में सबने देखी, लेकिन क्या आपको पता है कि वो फाइट का कंक्लूजन क्या निकलता है? वेल, मैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि आखिरकार आने वाले वक्त में बिग बॉस के घर में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने देखा जिस तरीके से गौहर और सिद्धार्थ की फाइट होती है, वहां पर अगर एक टास्क के दौरान, जी हाँ, जहां पर चार जो हैं, अगर बात करूँ रिजेक्टेड कंटेस्टेंट्स, तो उन चारों को आपस में सलाह करने के लिए कहा जाता है कि कौन से एसेंशियल आइटम्स लेने हैं। वेल, इसके अंदर जो है इन्हीं की बातें चालू रहती है। इसी बीच जो है निक्की तंबोली, जी हाँ, वो दो चीज़ों की डिमांड करती है और वो अपने जो दोनों आइटम्स हैं इसके लिए वो लड़ती हैं। वो कहती है मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, मुझे नहीं छोड़ना है, मुझे मेरे दोनों एसेंशियल्स चाहिए, जिसके ऊपर घर वाले अगेंस्ट हो जाते हैं निक्की के और उसको समझाते हैं, लेकिन निक्की फिर भी नहीं मानती। और निक्की जब नहीं मानती और वो अड़ी रहती है अपनी ज़िद पे कि उनको दो आइटम्स चाहिए ही चाहिए, तो उसके बाद जो है गौहर जो है वो डिसाइड करने को कहती है घर वालों को, इनकी आप सब आपस में डिसाइड करो। तो सब म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि अगर निक्की नहीं सुन रही है तो किसे भी कुछ भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, घर में किसे को भी कोई भी सामान नहीं मिलेगा और ये टास्क रद्द हो जाएगा। वेल, जिसके ऊपर गौहर ज़रूर उस पर भड़कती है कि आखिरकार किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो गौहर कहती है कि अगर ये जो टास्क है ये डिसाइड नहीं करोगे आप लोग, अगर इसमें फाइनल डिसीजन नहीं होगा, तो आज रात को खाना किसी को नहीं मिलेगा। जी हाँ, गौहर कहती है आज सब भूखे पेट ही सोएंगे, बिकॉज सबको पता है कि गौहर खान को किचन का जो है उसको गौहर के डिपार्टमेंट में है, खाना किसको कितना देना है या नहीं, ये सब गौहर डिसाइड करती है। तो वह जब गौहर ये सारी चीज़ें कहती हैं ऐसी, तो उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला निक्की को समझाने की कोशिश करते हैं और वो निक्की को समझाते हैं कि ऐसे टाइम पे प्लीज़ अपना ज़िद जो है उसे गिव अप करो और जो असेंशियल चीज़ें मिलने वाली है या मिल रही है उसे ले लो, एंड ये टास्क के ऊपर दो चीज़ों की डिमांड जो है उसे छोड़ दो। सिद्धार्थ जो है वो बहुत प्यार से निक्की को समझाते हैं एंड निक्की सिद्धार्थ का मान लेती है और उसके बाद घर वालों को खाना मिलता है फाइनली। तो ये आपको नज़र आएगा आने वाले दिनों में, यानी कि आज रात या कल आप देख सकते हो कि घर में ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। आप लोग मुझे बताओ आपको क्या लगता है कि सिद्धार्थ जो है इस सीज़न में आके वो बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, या आप जो है आपको लग रहा है कि सीनियर्स को नहीं आना चाहिए था और जूनियर्स के बीच में लड़ाई देखने को ज़्यादा मज़ा आता। लेट अस नो व्हाट डू यू गाइस थिंक।